हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब सूचना में आपका स्वागत है। दोस्तों, केवीएस टीचर रिक्रूटमेंट 2022 से जुड़ा हुआ नया नोटिफिकेशन लेके आए हैं। पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं चाहे जिस भी स्टेट से हो। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, और चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको ऑल इंडिया में टीचिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे आपकी वैकेंसी डिटेल दी हुई है। सबसे पहले आपका यहाँ पे पीजीटी का दिया हुआ है। पीजीटी में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा संगणक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद आपकी टीजीटी की दी हुई है। टीजीटी में गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, योग शिक्षक की यह वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। इंटरव्यू का समय यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3/9/2022 शनिवार को सुबह 8:30 बजे आपका यहाँ पे जो है इंटरव्यू है। और स्कूल चेक कर लेते हैं कौन सा स्कूल है। तो ये आपकी जो वैकेंसी है ये आई है केंद्रीय विद्यालय ONGC वडोदरा, मकरपुरा रोड वडोदरा में। ये आपका गुजरात में पड़ेगा, यहाँ पे आपका स्कूल है। ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे आपका 3/9/2022 को शनिवार को इंटरव्यू होगा। किन किन सब्जेक्ट का होगा ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसके नीचे ही आपका डिटेल में यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें आपका यहाँ पे ईमेल आईडी, जो वेबसाइट है वो भी दी हुई है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है आपका, और स्कूल कोड वगैरह सब दिया हुआ है जहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। और नीचे इसकी डिटेल में दिया हुआ है कि पीजीटी के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि पीजीटी इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी एमएससी कोर्स होना चाहिए। एनसीईआरटी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। बीएड होना चाहिए आपका, और हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी बोलने की। और डिजायरेबल में दिया हुआ है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। पीजीटी के लिए सैलरी यहाँ पे दी हुई है 27,500 आपकी मिलेगी आपको पर मंथ। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की दी हुई है। क्वालिफ़िकेशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। जो नीचे नीचे जो भी क्वालिफ़िकेशन दी हुई इनमें से कोई एक आपके पास होने चाहिए। बीई, बीटेक होनी चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, बीएससी या बीसीए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो आपके कंप्यूटर में या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो सब्जेक्ट में, बी लेवल फ्रॉम DOE ACC पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो इन एनी सब्जेक्ट, या सी लेवल DOE ACC मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन, इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। सैलरी सेम है 27,500 रुपये पर मंथ। उसके बाद आपकी टीजीटी की वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। टीजीटी संस्कृत, मैथ और सोशल साइंस एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए आपका। NCERT से 50% मार्क्स के साथ या बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं आपका, किस सब्जेक्ट में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कृत के लिए 3 ईयर संस्कृत होना चाहिए। TGT SST के लिए SST के कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपके पास होना ही चाहिए। PGT मैथ के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री में एनी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमेस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में से। साथ में बीएड होना चाहिए, CTET आपका पास होना चाहिए Part 2, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, और डिजायरेबल में सेम दिया हुआ है, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। उसके बाद आपका है योगा टीचर। असेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है कि योगा और BPED विद स्पेशलाइजेशन इन योगा होना चाहिए। डिजायरेबल वही कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी डिटेल में आप यहां से देख सकते हैं। इंटरव्यू की डेट आपको यहां पे बताई दी है 3/9/2022 है सुबह 8:30 बजे। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम देख लेते हैं जहां पे जाके आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको सिंपल गूगल पे सर्च करना है number4vadodara.kvs.ac.in, और यहाँ से आप अनाउंसमेंट ऑप्शन में आएंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, सबसे ऊपर 1 नंबर पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंटरव्यू के लिए दिया हुआ है। डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो जो जो इच्छुक कैंडिडेट हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।
और इसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को स्क्रॉल करके नीचे चेक करेंगे तो वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी KVS टीचर वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट। जैसे ही कोई और अपडेट आती है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।